इंदौर में बढ़ते कोरोना के चलते लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। होलकर कालीन जूनी इंदौर शमशान में पिछले 40 सालों से सेवा कर रहे सोहन कल्याणी ने कहा कि मैंने पहली बार इतनी भयावहता देखी है। हम बात कर रहे हैं होलकर कालीन जूनी इंदौर शमशान की, जहां पर पिछले 40 वर्षों से कार्यरत सोहन कल्याणी ने बताया है कि इस तरह के हालात मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे हैं। जहां शव को जलाने के लिए परिजनों के बैठने के स्थान पर भी शवदाह किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से जूनी इंदौर शमशान में शव बाहर ही जलाए जा रहे हैं। इससे कोरोना की भयावहता का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर में इस वक्त किस तरह के हालात हो गए हैं। सर, स्थिति ऐसी आ गई कि जगह ही नहीं बची उधर भी। अब वो उधर भी सब संस्कार हो रहे थे, इधर भी खड़े थे, एक के पीछे एक खड़े हैं, तो अपनों ने इस जगह पे भी आज संस्कार कर दिए हैं। और आज क्या है, करीब 3-4 दिन से कर रहे हैं हम इधर। कितना पुराना ये है और आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? आपके जीवन काल में कभी इस तरह की कोई घटना आपने देखी? नहीं, मेरे जीवन काल में मैंने नहीं देखी सर, मेरे को 40 वर्ष हो गए। मैं गुंदमपुर से भी पहले से कर रहा हूँ सर, 80 के लगभग से, 1980 से। कितना पुराना है ये? ये मुक्तिधाम तो इसकी जानकारी नहीं, मगर बताते हैं लोग कि होलकर शासन काल का है, माता अहिल्या के समय भी था ये। नॉर्मल कितनी इस पे से कितनी बॉडियां एक दिन में दह संस्कार हो सकती? इसमें 8 हो सकती है सर, इसकी कैपेसिटी 8-10 की है करीब। 8-10 की है। हाँ। आज कोविड के पेशेंट कितने आए जिनका यहाँ दाह संस्कार किया गया? करीब 8 एक आए हैं, उसमें कुछ नॉर्मल भी हैं। कब से, मतलब आज ये कितने दिन हो गए जो आज बाहर अपन बैठक रूम बैठक के वहाँ पर भी दाह कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? करीब 6 दिन हो चुके हैं सर, 6-7 दिन कि अपन बैठक की जगह भी संस्कार अपनों को करना पड़ रहा है। रोज ही ऐसी स्थिति बन रही है। पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी? नहीं, पहले कभी नहीं बनी, मतलब मेरे जीवन काल में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी।